दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ई डेट का इस्तेमाल एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप सभी लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि आज अगर 8 तारीख है तो आज के 4 महीने बाद कौन सा तारीख होगी और उस तारीख पे क्या दिन होगा। तो इस तरीके के सवाल हम अक्सर जो होता है सॉल्व करते रहते हैं। तो एक्सेल में हम इस तरीके के सवालों का जवाब जो होता है ई डेट के माध्यम से, ई डेट का जो ये फार्मूला है वो ये दोस्तों यही काम करता है। और हम ई डेट के जरिए जो होता है हम ये पता लगा सकते हैं कि आज के आने वाले कौन जो होते किसी भी समय पे इस जो किस तारीख पे क्या दिन होंगे, या फिर आज आज के बाद या आज के पहले। हाँ, मतलब हम किसी भी समय का जो होता है दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक्सेल में किस तरीके से काम करता है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जो होता है लाइक कर लीजिएगा, चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट में, और यहाँ पे दोस्तों हम ई डेट की मदद से हम जानेंगे। जैसे दोस्तों, ये स्टार्ट डेट है, ये डेट है, इस डेट से 4 महीने बाद हमें पता करना है कि कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम इसको जानने के लिए हम यहाँ पे ई डेट का इस्तेमाल करेंगे। ई डेट के लिए हम यहाँ पे पहले टाइप करेंगे इक्वल का निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ टाइप करेंगे ई डेट। ई डेट के टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है। आप चाहे टैब बटन प्रेस करने के बाद भी आप जो होता है ई डेट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ब्रैकेट ओपन होता है दोस्तों, तो ये ई डेट का जो सिंटैक्स है वो है स्टार्ट डेट कॉमा मंथ। तो हमें ई डेट की मदद से, तो यहाँ जो पहला इसका स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट के लिए हम ये वाली डेट लेंगे कॉमा मंथ, मतलब आज से 4 महीने बाद का हमें जो होता है डिटेल पता करना है कि आज से 4 महीने बाद कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी। तो उसके लिए कौन से उसके लिए हम मंथ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे C4 वाले सेल को, उसके बाद ब्रैकेट को कर देना है ओपन, अरे सॉरी क्लोज, और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आज से 4 महीने बाद दिन होगा सैटरडे और डेट होगी 8/2/2020। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ई डेट की मदद से हम जो होता है आने वाले समय का क्या डेट है ये पता कर लिए। अब इसी तरीके से हम अपने पीछे का भी डेट को हम पता कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा यहाँ जो मंथ है यहाँ पे आपको थोड़ा चेंजेस करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो ये ई डेट समझ रहा है कि हमें आगे वाले 4 महीने का जो डिटेल फाइंड करना है। अगर हम यहाँ माइनस का निशान लगा देते हैं तो ई डेट को ये समझ लेगा कि हम पीछे वाले महीने की बात कर रहे हैं। तो हमें अगर पीछे वाले महीने की जानकारी चाहिए कि पीछे वाले महीने में 25 अक्टूबर को कौन सा, 25 अक्टूबर 2019 अगर है तो 25, तो आज से अगर है, अगर आप 25 अक्टूबर है तो आज से 6 महीने बाद इस जो होता है इसमें कौन सा महीना होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम माइनस टाइप कर लेते हैं और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ई डेट, क्योंकि हम माइनस अप्लाई करने के बाद ये सेल यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा है। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं और इंटर प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ई डेट अप्लाई करेंगे इक्वल टू ई डेट। यहाँ टैब कीबोर्ड से टैब बटन हमने प्रेस कर लिया, देखिए सारा फॉर्मूला आ गया। उसके बाद स्टार्ट डेट है 25 अक्टूबर, ये जो B5 वाला सेल है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा मंथ के लिए हम यहाँ पे जो मंथ वाला जो सेल है -6 इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं C5। उसके बाद बस आपको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए, ये आज से 6 महीने बाद, 6 महीने पहले का जो महीना था वो था 25/4, यानी अब 25 अप्रैल, और दिन था थर्सडे। तो इस तरीके से दोस्तों हम ई डेट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि हमने हमारा जो आने वाला जो महीना है उसमें वो उस डेट को कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख आएगी, और साथ ही साथ हम जो होता है पीछे वाले महीने को भी इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ये इस तरीके जो फॉर्मेट आ रहा है, ये फॉर्मेट आपको यहाँ से अगर आप नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, ये जो कि होम टैब में आता है, तो अगर यहाँ पे आप जनरल को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको यहाँ पे नहीं दिखता है। तो इस तरीके का आप फॉर्मेट लाने के लिए आपको क्या करना होगा ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा दोस्तों मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन में। मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद आपको कस्टम को सेलेक्ट करना है।
कस्टम सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको ये मैनुअली टाइप कर देना है। तो ये मैनुअल टाइप कर देने के बाद यहाँ देखिए 4 टाइम्स DD, फिर यहाँ पर डैश करना है। DD का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे डे, उसके बाद डेट, फिर यहाँ पे MM, फिर -YY है, तो मतलब ये डेट और मंथ और ईयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे इसे मैनुअल टाइप कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ई डेट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है ये समझ में आ गई होगी। इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इसे शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।